इंदौर क्राइम ब्रांच के हाथ बड़ी सफलता लगी है, जिसमें पुलिस ने एक ऐसे शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया है जो राह चलते लोगों का मोबाइल छीन कर फरार हो जाता था। पुलिस ने पकड़े गए आरोपी से लूट के 6 मोबाइल बरामद किए हैं। दरअसल सिटीजन कॉप पर क्राइम ब्रांच को मोबाइल लूट होने की शिकायत मिली थी, जिसके आधार पर क्राइम ब्रांच ने लूटा हुआ मोबाइल ट्रैकिंग पर लगा रखा था। उसी दौरान अज्ञात आरोपी द्वारा मोबाइल चालू किया गया, तो वहीं आरोपी ने खुद के फोटो भी लूटे हुए मोबाइल से खींचे और जैसे ही क्राइम ब्रांच को डाटा अपडेट हुआ, क्राइम ब्रांच लोकेशन के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर चुकी थी। पूछताछ में आरोपी ने और भी जगह वारदात करना स्वीकार किया। फिलहाल आरोपी से 6 मोबाइल बरामद कर पूछताछ जारी है। हमको सिटीजन कॉप पर जो है जो ऐप इंदौर पुलिस द्वारा संचालित है इंदौर के शहरवासियों के लिए, उस पर हमको सूचना मिली थी कि एक मोबाइल जो है वो छीना गया है। इस तरह के हमारे पास कुछ काफ़ी सूचनाएं थी, उस पर कार्रवाई करते हुए एक गणेश पाटिल नाम के व्यक्ति को उसमें पकड़ा गया है। उसकी 2-3 लोगों की उसकी गैंग है और ये मोबाइल छीनने का अक्सर वारदातें करते हैं। इनसे अभी तक लगभग हमको 6 मोबाइल मिल चुके हैं और इसमें से एक मोबाइल MIG थाना क्षेत्र का है और जो बाकी जो मोबाइल हैं उनके जो फरियादी हैं उनसे संपर्क किया जा रहा है। आरोपी क्या करते हैं, क्या बैकग्राउंड है इनका? कोई खास बैकग्राउंड नहीं है, पहले भी इस तरह की वारदातें कर चुके हैं और ये पुनः इन्होंने ये वारदातें करी हैं। इंदौर से हार्दिक प्रजापत की रिपोर्ट।